तो गाइज आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की, जो कि है कोलैबोरेशन। तो जब भी एक प्रोड्यूसर एक रैपर के साथ, एक सिंगर के साथ कोलैबोरेट करता है, तो स्टूडियो में उसे क्या क्या चीजें प्लान आउट करनी चाहिए और ऐसे क्या तीन इंपॉर्टेंट स्टेज है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, और हमारे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे लास्ट 5-10 साल से लोगों के साथ कोलैबोरेट करने में, तो जल्दी से करते हैं उनके बारे में बात। तो गाइज जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्लानिंग। तो जब भी आप एक सिंगर या फिर एक रैपर से मिलते हो, तो आप जब उनको स्टूडियो बुलाते हो, तो सबसे पहली जो चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको पहले कंफर्टेबल होना है, एक दूसरे को एज अ ह्यूमन जानना है, देन काम करना स्टार्ट करना। और गाइस साथ ही साथ आपको उनसे ये भी क्वेश्चंस पूछने हैं कि आप किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो, किस टाइप का म्यूजिक बनाना चाहते हो। तो आपको पता होना चाहिए पहले दिमाग में कि वो क्या सोच कर आ रहे हैं आपके पास और आप भी उनको क्या दे सकते हो। मेन चीज ये प्लानिंग का हमारा मतलब ये कि अगर कोई आर्टिस्ट आ रहा है तो आपको पता है कि किस टाइम आ रहा है, तो सबसे पहले आपने माइक सेटअप ऑलरेडी करके रख दो, सेशन मैनेजमेंट करके रखो पहले से, क्या वो आर्टिस्ट सुनता है, अगर उसकी प्लेलिस्ट है तो पहले से रेडी रखो कि ये 5-10 गाने जो मैं भी सुन रहा हूं और ऐसा कुछ हम ट्राई कर सकते हैं, और वो किस तरीके का आर्टिस्ट सुनते हैं, किस तरीके का जॉनर सुनते हैं, और फिर आप कम अप कर सकते हो एक नए प्लान से कि कैसा हम कुछ नया गाना बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए प्लानिंग के वक्त। तो गाइज प्लानिंग हो गई, अब आती है प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत लोग घबराते हैं एज अ प्रोड्यूसर कि मैं कैसे एक पूरा गाना स्टूडियो में बनाऊंगा अगर मेरे साथ एक आर्टिस्ट बैठा है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी बीट्स बनी है, जो कि एक अच्छा आइडिया है, आप कर सकते हो, पहले से बना के रख सकते हो, तो या तो आपको प्ले करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो वाइब कर रहे हैं उस चीज के साथ कि नहीं कर रहे, और लेट्स से अगर वो वाइब नहीं करते या वाइब कर जाते तो बहुत बढ़िया, आपकी बीट बनी हुई है और आप डायरेक्ट उस पर कॉम्पोजिशन और लिरिक राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। वरना आप क्या कर सकते हो, आप स्प्लाइस यूज कर सकते हो, आप लूप क्लाउड यूज कर सकते हो, आप कोई भी सैंपल पैक में से सैंपल या लूप यूज कर सकते हो मेलोडी का, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। या फिर एक बहुत ही तगड़ा नया सैंपल पैक आया मार्केट में गिटार्स का स्पेशली, जिसका नाम है बेसिला स्ट्रमिनो सैंपल पैक, जिसमें आपको 50 से भी ज्यादा साउंड मिलती है, और ऐसी साउंड मिलती है जो हमने यही केटर करके बनाई है कि जैसे आप सेशन में बैठो तो आपको बहुत तगड़े मेलोडीज के और वोकल्स की कॉम्पोजिशन के आइडियाज आना शुरू हो जाए। जल्दी से जाके खरीद लो, बिकॉज अभी उसका प्राइस बहुत ही मिनिमल है और आपके एक मीडियम साइज पिज्जा से भी सस्ता है। तो सेशन में पिज्जा खाओगे उससे सस्ता ही सैंपल पैक है, और फिर करोड़ों कमा लोगे तो हमें तो याद रखने को नहीं। दे देना। तो भाई जल्दी से जाओ इसको डाउनलोड करो। तो बेस्ट टाइम है अभी, बिकॉज अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ और न्यू ईयर पे हम दे रहे हैं 100 रुपीज का डिस्काउंट कूपन। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेबसाइट पर जाना और यूज करना कूपन new24 और आपको मिलेगा 100 रुपीज का डिस्काउंट। तो जैसे हमने बताया आपको ये सारे सैंपल पैक्स यूज कर सकते हो, तो बेसिकली आप एक 8 बार का, 16 बार का, 4 बार का एक लूप बना लो। और हमने ये भी देखा कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर आप बीट बनाते हो ना तो आर्टिस्ट से लिखना मुश्किल हो जाता है, पहले हम भी गलती करते थे। बट अब क्या, एक लूप बना लिया मेलोडी का अच्छा सा या कॉर्ड्स बना ली और उसके बाद आर्टिस्ट उस पर लिख रहा है, अगर उनके पास लिरिसिस्ट है वो बाद में लिख सकते हैं, बट एक कॉम्पोजिशन आप रेडी कर सकते हो। एंड गाइस इसी के साथ हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देते हैं। लाइक जब हमने सेशंस करे थे ऋषि रॉय के साथ, जसमानक के साथ, राहुल जैन के साथ, तो वहां पे जब हम वो मेलोडी और लूप्स को क्रिएट कर रहे थे और जैसे उनको किसी भी लूप पे ज्यादा वाइब नहीं हो रहा था तो हम स्टिक नहीं कर रहे थे, हम फटाफट से अगले लूप पे आ रहे थे, एंड साथ ही साथ हम खुद भी हमिंग करके उनको मेलोडीज दे रहे थे या फिर वर्ड्स दे रहे थे या स्टोरी सुना रहे थे। और गाइज आपको बताते हैं कि बहुत तगड़ी ऐप है जिसका नाम है वॉइस मेमो। तो वॉइस मेमो क्या होता है, आईफोन की एक ऐप, आप कोई भी रिकॉर्डिंग ऐप यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी रिकॉर्डिंग्स है। तो जैसे जब राहुल जैन आए थे तो बेसिकली हमने उनको अपने बहुत सारे सैंपल पैक सुनाए जो कि हमारे स्ट्रमिनो सैंपल पैक में से है, और हम ऐसे कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे थे। लेट्स से ये सुनते हैं। तेरे आगे पीछे पड़ के मैं तो मर गया ये जुनून। और यही सेम चीज हम जब जसमाना कहते हैं हमने वहां पे भी ट्राई करी थी। तो एक गाना है जो कि आएगा तो आपको थोड़ा स्नीक पीक मिलने वाला है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कैंडी सी बोला और उन्होंने वो वर्ड उठाया और उससे ये गा दिया। ज्यादा नहीं सुना ना, 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 ना। तो ऐसे आप वॉइस मेमोज रिकॉर्ड कर सकते हो। और हमें भी लोग बोलते थे कि क्या आपको कॉम्पोजिशन आती है करनी, तो हम कहते थे नहीं हमें नहीं आती। बट जब हम ऐसे ट्राई करने लगे बहुत सारे वॉइस मेमो में, तो धीरे धीरे हमने देखा हम भी थोड़ी बहुत कॉम्पोजिशन तो कर पा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास नहीं बट बेसिक अपनी कॉम्पोजिशन कर पा रहे हैं। टू हू, तो टू आर्टिस्ट, लेकिन सीरी भी कह रही है किसके लिए कर रहे थे। तो गाइज अब हम करने वाले हैं पोस्ट प्रोडक्शन, जिसके अंदर जो हमने आइडिया को क्रिएट करा है हम उसको काफी ज्यादा अच्छे से सुनेंगे और मल्टीपल आइडियाज में से वो आइडिया सॉर्ट कर लेंगे जो काफी अच्छे और सॉलिड लग रहे हैं हमें। और उसके बाद हम खुद से एक सेटिंग बिठाएंगे जिसमें मल्टीपल ड्रम लूप्स, हिप हॉप, एफ्रो, मल्टीपल जो भी आपको लग रहा है कि ये साउंड जा सकती है उस पर्टिकुलर गाने के साथ, हम उसको बैठ के प्रोड्यूस करेंगे। एंड वहां पे डेफिनेटली आर्टिस्ट नहीं होगा, वहां पे आप खुद अपने जोन में लैपटॉप के साथ उस बीट को प्रोड्यूस करोगे ताकि वो प्रॉपर फुल फ्लेज्ड एक ट्रैक क्रिएट हो जाए।
उसके बाद डेफिनेटली आप कुछ दिन का ब्रेक ले सकते हो, 7 दिन का 5 दिन का, जब आप उस गाने को भूल जाओ, एंड देन आप स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट प्रोसेस जिसको बोलते हैं मिक्सिंग और मास्टरिंग। एंड मिक्सिंग और मास्टरिंग एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें आप अपने ट्रैक को पॉलिश करते हो और वहां पे आप अपने ट्रैक्स को रीनेम कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि किस टाइप का गाना है। अरे पर ये तो बता दे कि अच्छे से पॉलिश करने के लिए क्या लेना होता है। और हाँ करेक्ट, अगर आप अच्छे से पॉलिश नहीं कर पा रहे हो तो आप चेकआउट कर सकते हो बेस इलाका म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स, जो कि आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, हमारी वेबसाइट भी आ रही होगी। और अगर आप एनरोल करना चाहते हो फटाफट से कर लो, लिमिटेड सीट्स लेफ्ट है, जाके हमारी वेबसाइट चेक करो। तो जैसे अभी उत्कर्ष ने बताया, आप एक गैप लेके फिर मिक्सिंग मास्टरिंग स्टार्ट कर सकते हो। और क्योंकि मिक्सिंग मास्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपको बीच बीच में ब्रेक लेना होता है, तो आर्टिस्ट तो आपके पीछे बैठा नहीं रहेगा 2-3 दिन, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, थोड़े दिन सुना, ब्रेक लिया, अपने आर्टिस्ट को भेजा और लोगों को भेजा, उनके इनपुट्स लिए, फिर आगे ठीक करा, गाड़ी में देखा, सुना, कहीं और जाके सुना, किसी स्पीकर पे सुना, फिर आपको जो उसमें से इनपुट मिले वापस से आके उसको ठीक करा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आप 7 दिन 10 दिन 12 दिन ऐसे लगा के टाइम लगा के एक अच्छा मिक्स कर सकते हो, या फिर इस पूरे प्रोसेस को आप किसी और को सेंड कर सकते हो जो कि एक नए पर्सपेक्टिव दे सकता है आपके मिक्सिंग और मास्टरिंग को। अब एक बोनस टिप देते हैं जो कि है, जब हम ये सारी चीजें कर रहे थे तो वहां पे ना आपको ईगो को साइड रखना है। लाइक हमें पहले क्या हुआ, जब हम गाने बना रहे थे तो हम कुछ भी एक नया सैंपल बनाते थे, हम तो कहते थे यार ये तो बेस्ट बीट बनी है, बट जैसे ही उस पर कोई भी अपना वोकल लिखने लगता था और उनसे नहीं लिखा जाता था या फिर वो अटक जाते थे किस पॉइंट पे, तो कहते थे बीट चेंज कर दो। तो वहां पे हमें लगता था यार हमने इतनी बढ़िया बीट बनाई है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बट वहां पे हमने सीखा कि आपको मल्टीपल ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे एक दिन में, तो अगर आप सोचोगे ये मेरी बेस्ट बीट है और ये मना कैसे कर रहे हैं इस पे, तो ये सब नहीं सोचना। वहां पे आपको बनाने बहुत सारे जल्दी जल्दी आइडियाज, और फिर उसमें से कोई आइडिया बेस्ट बनेगा, वो अगर आप दोनों को अच्छा लग रहा है तो चांसेस है कि वो दुनिया को भी अच्छा लगेगा। बट अगर आप वहां सोचोगे कि मैं बेस्ट बीट बनाता हूँ, इसको लिखना नहीं आता या उसको लिखना नहीं आता, ये गा नहीं पा रहे, वो उनकी गलती है, तो ऐसा मत सोचो। तो ईगो को रखो एकदम विंडो के बाहर, गाने बनाओ, और इसी के साथ लाइक करो बिना ईगो के, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।